नमस्ते सर। नमस्ते अशोक भाई जी, कैसे हैं सर? तो मैं आपकी बड़ी मेहरबानी अशोक भाई, आप आए हमारे आज के मीटिंग की कवरिंग आपने की, आपकी बड़ी मेहरबानी अशोक भाई। आज मैं दिलीप कुमार कोस्तानी, आज हमारे पास पाकिस्तान काटन जिनर्स एसोसिएशन PCGA का वफन आया था, पूरा डेलीगेशन, उसके मान में हमने अपने घर पे डिनर रखा था। उन सब की मेहरबानी, तकरीबन 30-35 सिंध के मौजूद जिनर्स हमारे पास कराची हमारे घर पे डिफेंस में आए थे, उनके आनर पे हमने डिनर रखा हुआ था। हमारे पास सब मौजूद अशोक भाई जिनर थे, ये हमारे पूरे सिंध के जिनर थे, सखर थे लेके मीरपुर खास, टंडो आदम, नवाब शाह, हर डिस्ट्रिक्ट से 2-4 जिनर थे। आज की जो मीटिंग थी हमारी बहुत अच्छी रही, बिल्कुल उसी लिहाज से। तो इसमें क्या लाया अमल तय किया गया? बस यही हमारी कपास वगैरह का जो है क्रॉप का जो इशू चल रहा है, अल्लाह के फजल से जो इस बार थोड़ा सा क्रॉप अच्छा हुआ है, उसी के बारे में। और हमारी एसोसिएशन की जो सीटें वगैरह होती है, हमारी जो फेडरेशन की हमारे पास PCGA की सीटें होती है, उनके बारे में भी राय अमल किया, सब ने अपने ख्याल का इजहार किया, सबसे राय ली गई, जिनकी थोड़ी सी रंजिशें वगैरह थी वो भी दूर हो गई इस गैदरिंग की वजह से, इस डिनर की प्रोग्राम की वजह से। जो भी था सबकी मेल मिलाप भी काफ़ी टाइम से हो गई, काफ़ी दोस्त जो पुराने थे वो अपने में उनकी मेल मिलाप भी हो गई। अशोक भाई थैंक यू सर जी। वालेकुम, नमस्ते सर। नमस्ते जी सर, क्या हवाले से थी आज की आप लोग की मीटिंग? ये आज हमारा सीनियर हमारे पाकिस्तान काटन जिनर के दिलीप कुमार देवनानी साहब ने यहाँ पे एहतमाम किया था, हमारे सारे जो सीनियर क्यादत थी पूरे सिंध की, उनमें सारे हमारे दोस्त इकट्ठे हुए थे, उनके मान में ये दावत रखी गई थी। हम दिलीप कुमार का बेहद शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे पूरे सिंध के जो बहुत बड़े जिनर हजरात यहाँ इकट्ठे किए और उनके एहतमाम में एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर, नमस्ते। वालेकुम सलाम, नमस्ते जी सर। मेरा नाम भगवान दास लालचंद हेमरा जानी, मेरा कोस्तान ग्रुप से ताल्लिक है, कोस्तान काटन फैक्ट्री कोटली गए और हैदराबाद में गए, सांगड़ में गए, अलग शुक्र है। और हमारा जो PCGA का जो ग्रुप है उसमें हैदराबाद जोन मेरे पास, यानी कि कोटली इंडस्ट्री एरिया और सेवन कादू और हाला और अपना बद्दीन, इस जोन को कवर करता है हैदराबाद को। इसके अलावा मीरपुर जोन भी है और सांगड़ का जोन वो अलग है PCGA में, और प्लस नवाशा जोन भी है और अपना कैरपो डेर की कोट की इंशाल्लाह। यानी हमारी जो मोहब्बत और कहीं सिस्टम जो PCGA का है बिल्कुल आपस में भाईचारा और प्यार मोहब्बत का है, उसका अभी ये सबूत है। यानी कि अभी जो इलेक्शन का सिस्टम था वो बिल्कुल नहीं हुआ, ऐसे अपोजिट जिसको भी सपोर्ट किया अपनी प्यार मोहब्बत से, क्योंकि फेडरेशन एक इधर होता है, कारोबारी बिजनेस मैन होते हैं सारे, तो वो अपने चैम्बर को फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ताकि हम एक इंडस्ट्री काटन की एक रीड कैदी होती है और ये अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छी तरक्की होती है। इसके अंदर टेक्सटाइल मिल जैसे एपकमा वाले होते हैं और PCGA काटन जिली को कवर करती है, मुल्तान में इसकी हेड ऑफिस है, तो उस सिलसिले में जो भी कमी कोई पेशियाँ होती है तो आप उसमें बैठ के बहस करते हैं, आगे बात करते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए भी हम ये दुआ दो हैं, पाकिस्तान बहुत तरक्की करे, आगे बढ़े और बिजनेस मैन भी अपनी मेहनत करते हैं, अपने मुल्क के लिए नाम रोशन करें। थैंक यू सर।